दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में ये वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, जी हाँ DRT की बात करेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में NPA की बात करी, एसेट क्लासिफिकेशन की बात करी और इनकम रिकग्निशन की बात करी और प्रोविजन ऑफ NPS की बात करी। साथ ही साथ हमने लोक अदालत की भी बात करी है वीडियो के माध्यम से, सरफेसी की भी बात करी है, NCLT की भी बात करी है, इनसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी के भी वीडियोस आपको इस चैनल में उपलब्ध होंगे, जिन पे हम लोग रिकवरी के जो टूल्स के तहत काफ़ी वीडियोस पे चर्चा कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख लिए होंगे और आशा करता हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी मददगार भी होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा और दिए हुए लिंक से आप वो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की। तो आइए जानते हैं DRT क्या है। एक्चुअल में DRT, जिसको डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ये एक तरह का स्पेशल कोर्ट है। एक्चुअल में ये कोर्ट है जिसकी स्थापना रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जी हाँ, DRT इज एस्टेब्लिश अंडर ए रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो हम क्या करते हैं, बताइए। अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम क्या करते हैं, न्यायालय की शरण में जाते हैं, न्याय की मांग करते हैं और विधि विधानों के आधार पर जो निर्णय सुनाया जाता है उसको अमल करते हैं और उसमें न्याय मिलता है हमें। ठीक उसी तरह बैंकें भी कुछ नियम और शर्तों के मुताबिक उधारग्रहीता को लोन दिए रहते हैं, लेकिन उधारग्रहीता द्वारा समय पर नहीं चुकाए जाने की वजह से, उसकी जो देयताएं हैं उसको जमा नहीं करने की वजह से, बैंक जो है उस ऋण की वसूली के लिए न्यायालय की शरण में जाता है, न्याय की मांग करता है। क्योंकि कुछ नियम शर्तें टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन दिए जाए गए रहते हैं कि इतने महीने इतने किस्तों के आधार पर, इस नियम शर्तों के आधार पर लोन की वसूली होनी चाहिए, और अगर उधारग्रहीता उन नियमों के आधार पर वसूली नहीं करता है तो बैंकों के साथ अन्याय हो गया और उसी अन्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए बैंक जो है न्यायालय की शरण में जाता है। अब सोचिए अगर न्याय जो सामान्य कोर्ट में मांगे जाएं, बैंकों द्वारा जो है सामान्य कोर्ट जैसे सिविल कोर्ट्स में चलते हैं, सामान्य कोर्ट में जाएं तो कितने लंबित केसेस हैं, कितने पेंडिंग केसेस हैं, तो बताइए उसका नंबर कब आएगा। या तो हितग्राही बहुत बूढ़ा हो गया होगा, काफ़ी लंबे समय में आएगा, उनका निराकरण और निपटारा बहुत ही काफ़ी समय लग जाएगा निपटारे के लिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने एक स्पेशल कोर्ट बनाया जिसको डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ये स्पेशल कोर्ट जिसको DRT बोलते हैं, वो सिर्फ बैंकों की वसूली के प्रकरण देखते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात कि लोन देगी बैंक और बैंकों की वसूली करेगी एक स्पेशल कोर्ट जिसको बोलते हैं DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जी हाँ दोस्तों, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत की गई थी। इसमें जो है दावा प्रकरण दर्ज करती हैं वसूली के लिए, और इसमें मिनिमम क्लेम कितना किया जा सकता है, जो मिनिमम क्लेम DRT में किया जा सकता है वो है ₹20 लाख। जी हाँ, मिनिमम अगर आपका क्लेम है उधारग्रहीता से आपको मांगना है ड्यूज, तो 20 लाख होना चाहिए, तभी आप DRT जा सकते हैं। जी हाँ, आप समझते हैं मैक्सिमम क्लेम कितना है। जी हाँ, मैक्सिमम क्लेम के लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं है। मिनिमम तो 20 लाख है कि 20 लाख से नीचे आप DRT में नहीं जा सकते, लेकिन 20 लाख से ऊपर मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितनों भी के लिए DRT आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, DRT में जो हेड होता है, हेड ऑफ द DRT को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो हेड ऑफ द DRT होते हैं, वो इक्वल टू द डिस्ट्रिक्ट जज। उनकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं DRT के, उनकी जो क्षमता होती है डिस्ट्रिक्ट जज के समान होती है, उनकी जो पद के बराबर की क्षमता होती है। तो आइए समझते हैं कि DRT में जो केसेस लगाए जाते हैं उनमें कोर्ट फीस होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रकरण दर्ज करते हैं तो उनकी फीस होती है, उनकी क्रियाविधि को चलाने के लिए जो फीस होती है वो फीस कितनी होती है समझते हैं। सबसे मिनिमम फीस जो होती है वो 12,000। जी हाँ, मिनिमम फीस होती है 12,000 और मैक्सिमम फीस होती है 1,50,000। एक्चुअल में 10 लाख तक के जो केसेस हैं उनमें 12,000 जो फीस होती है, और 10 लाख के ऊपर प्रति लाख में ₹1,000 फीस होती है, और मैक्सिमम फीस है 1,50,000 होती है। कहने का तात्पर्य है मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 1,50,000। DRT का जो निर्णय होता है वो सुनवाई होती है उनकी, प्रकरण जैसे न्यायालय में प्रकरण होते हैं उसी हिसाब से सुनवाई होती है। तो DRT डिसीजन जो होता है, डिसीजन विल बी विद इन 180 डेज। 180 डेज के अंदर इनका डिसीजन आ जाता है। वैसे सामान्यतः तो देखा जाता है कि अवधि बढ़ भी जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो 180 डेज में निर्णय है आ जाना चाहिए। DRT डिसीजन विल बी विद इन 180 डेज। DRT का जो निर्णय होता है
वो निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। अपील कैन बी मेड अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डीआरटी टू डीआरएटी, जिसको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जी हाँ, डीआरटी में अगर डिसीजन आया, डिसीजन या तो बारोवर के पक्ष में आएगा या तो बैंक के पक्ष में आया, तो दोनों जो है अपील कर सकते हैं, और अपील करने के लिए उनको जाना पड़ेगा डीआरएटी। जी हाँ, जिसको डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, डीआरएटी में अपील कर सकते हैं। और डीआरएटी के जो हेड होते हैं उनको चेयरपर्सन कहते हैं, हेड ऑफ द डीआरएटी इज चेयरपर्सन। डीआरएटी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका जो क्षमता होता है वो हाईकोर्ट के जज के समान होता है। कहने का तात्पर्य है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी इज इक्वल टू द हाईकोर्ट जज। जो डीआरटी का निर्णय सुनाया जाता है उस निर्णय के खिलाफ जब डीआरटी में अपील की जाती है तो निर्णय जो का ऑर्डर होता है, ऑर्डर पाने के 30 दिनों के अंदर डीआरटी में अपील करने जा सकते हैं। अगर बैंक अपील करती है तो किसी प्रकार की उनको रकम रखी नहीं जाती है क्लेम अमाउंट का, लेकिन उसमें फीस देनी पड़ती है। मतलब 30 दिनों के अंदर जब डीआरटी का निर्णय आ जाता है तो उसके 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकते हैं डीआरटी में, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और उनकी फीस होती है, मिनिमम यहाँ पर फीस होती है 12,000 और मैक्सिमम जो फीस होती है 30,000। जी हाँ, डीआरटी में अगर क्लेम करना है तो वहाँ मिनिमम फीस होती है 12,000, मैक्सिमम 1,50,000, और यहाँ डीआरटी में अपील करने के लिए जो फीस होती है मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 30,000। अगर बैंक जो है अपील करता है डीआरटी में तो उनको किसी प्रकार का क्लेम अमाउंट का कोई हिस्सा डीआरटी के पास जमा नहीं करना होता है। लेकिन अगर बारोवर अपील करता है तो उसको क्लेम अमाउंट का 50% जो है डीआरटी के पास जमा रखना पड़ता है, जिसे डीआरटी जो है कम करके 25% कर सकता है। जी हाँ, इफ बोरोवर अपील देन ही हैज़ टू डिपॉजिट 50% ऑफ जजमेंट अमाउंट विच कैन बी रिड्यूस टू 25% बाई डीआरटी। अगर बोरोवर अपील करता है डीआरटी में सुनवाई के लिए, अपील करता है जो निर्णय है डीआरटी के अगेंस्ट, तो उसको 50% उस जजमेंट अमाउंट का रखना पड़ता है डीआरटी के पास, जिसे कम करके डीआरटी 25% कर सकता है। दोस्तों, ये थी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो रिकवरी का एक महत्वपूर्ण टूल है बैंकों के लिए, जिसमें बैंकें जो हैं डीआरटी के पास प्रकरण दर्ज कर वसूली करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि डीआरटी से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ मैं आपके बीच आता रहता हूँ। फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं, ताकि आपकी अच्छे से मदद हो सके। मैं आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।